गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकमिंग इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस. टुडे आर वी स्टार्ट अ चैप्टर नंबर 4. इन प्रीवियस क्लास वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ चैप्टर नंबर 4, है ना. इन चैप्टर नंबर 4 वी आर कम्प्लीट अ सम टॉपिक्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट अ चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इन दिस इसी चैप्टर्स का ये जो पॉइंट टॉपिक है क्या है, रस्ट. किसके बारे में स्टडी करेंगे? टुडे वी विल स्टडी अबाउट अ रस्ट, है ना. रस्ट क्या होता है? ओके, तो फिर ये जो टॉपिक है रस्ट, स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. कि क्या है, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. एक्टिविटी में क्या होगा इसमें, कि हम क्या लेंगे, टेक अ स्टैंड, टेक अ टेस्ट ट्यूब, है ना. हमें एक स्टैंड लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है. फिर हमें क्या करना है, एक डिश के अंदर क्या लेना है, रस्ट सस्पेंशन लेना है. फिर उस पर क्या कर लेना है, लिटमस पेपर. ओके, तो ओवरऑल हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर पहले से टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, वाटर होगा. वाटर के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, वन स्पून क्या ऐड करेंगे, रस्ट ऐड करेंगे. आफ्टर सम टाइम हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें इस रिलेटेड जो हमने जो रस्ट इसमें ऐड किया था वो उसे क्या है, अनअफेक्टेड है, एज इट इज़ है ना. सोल्यूशन द टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन विथ रेड एंड लिटमस पेपर, वॉट डू यू ऑब्जर्व. हम इसके बारे में क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट ब्लू लिटमस रिमेन्स अनअफेक्टेड. जो ब्लू लिटमस होगा वो क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा. और जो रेड लिटमस होगा वो क्या होगा, रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू. जिसका मतलब ये होगा कि इसमें ब्लू जो है वो क्या हो रहा है, हमारा अनअफेक्टेड हो रहा है. ब्लू से इसमें हमें कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में. तो हमें पता है रेड, जब लिटमस पेपर रेड टू ब्लू चेंज होता है तो वो कौन से इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट किया है कि जो सॉल्यूशंस है वो क्या है, बेसिक इन नेचर. इससे हमें ये पता चला कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं. ओके, अब हमसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, समटाइम कोरोजन्स ऑफ मेटल्स एडवांटेजेस. कोरोजन का मीनिंग क्या होता है, जंग लगना. जैसे लोहे को आपने देखा होगा ना, लोहे की कोई भी चीज़ अगर आप बाहर रखोगे एयर में तो उसमें क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोजन. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या पता है कि एडवांटेजेस है, मतलब जितने भी जो मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स के लिए ये कोरोजन्स होना क्या है, एक तरीके से लिए उसके लिए एडवांटेजेस है. अब एडवांटेजेस कैसे, फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर कोई भी मेटल्स हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जंग लग गया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर सम टाइम उसको पॉलिश वगैरह करके, मतलब जंग लगने से क्या होता है, उसकी और जो उसकी अंदर की जो लेयर होती है, उसकी जो चीज़ें होती है वो क्या नहीं होती, उससे ख़राब नहीं हो पाती है ना. तो ये इसके लिए क्या हो गया है, ये एडवांटेजेस हो गए. अब हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में. किसके बारे में स्टडी करेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, अब हम स्टडींगे. रस्ट इज द टर्म यूज फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन, है ना. रस्ट किस लिए यूज किया, रस्टिंग इज द टर्म यूज फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन. ये किस लिए यूज किया जाता है, कि आयरन के ऊपर जंग लगना, यानी लोहे के ऊपर जो जंग लगता है उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. सीरियस प्रॉब्लम. अभी इसमें क्या है, मतलब सबसे ज्यादा जो आयरन के अंदर रस्ट लगता है, अब आप लोगों को पता है, एक दो इंस्ट्रूमेंट में अगर लोहे में थोड़ा बहुत अगर जंग लगता है तो ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, काफी मतलब सीरियसली प्रॉब्लम हो चुकी. क्यों, क्योंकि हर ईयर हर साल काफी मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि जो स्टील्स जो एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ जो मनी होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे जो लोगों के किस में स्पेंड कर रहे लोग, मतलब ये रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से, मतलब जो लोहा होता है बाहर रखने में आ जाता है, किसी मॉइस्चराइजेशन प्लेस पे आ जाता है, या कोई बिल्डिंग वर्क जो कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, बारिश होती है, हवा लगती है, मॉइस्चराइजेशन जैसी प्लेस होती, तो वहाँ पे क्या होता है, उन पूरे लोहे को क्या लगता है, जंग लग जाता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी लेवल पे उसको क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें काफ़ी पैसे लगाने पड़ते हैं उन्हीं आयरन्स को फिर से प्रिपेयर करने के लिए. तो ये काफ़ी एक सीरियसली प्रॉब्लम्स है, रस्टिंग ऑफ आयरन होना. ठीक है,
इसके बाद में ये क्या होता है, रस्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि ना रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है। क्या होता है रेड एंड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा या अभी तक नहीं किया होगा तो आपको क्या करना है, नोटिस करना है। ऐसे लोहे के टुकड़े को देखना जिसके ऊपर जर लगा हुआ है, उस जर को जब आप क्या करना करोगे, वहाँ से खुरचना स्टार्ट करोगे, जिसको क्या बोलते हैं कोरोड, क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कोरोड बोले, जिससे क्या होगा वो आप क्या निकालने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिखेगा, वो रेड एंड ब्राउन कलर के सब्सटेंस आपको क्या होंगे मिलेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे रस्ट हो गया। अब इसका केमिकली फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ये क्या है, आयरन हो गया, ऑक्साइड हो गया, और ये क्या हो गया वाटर, है ना। अब ये क्या है, जैसे ये पूरा क्या है, एक रस्ट का क्या है फॉर्मूला है, जो हमारे रस्टिंग ऑफ आयरन, जो रस्ट आयरन के ऊपर जो रस्ट जो जमा होता है ना, उसका केमिकली फॉर्मूला क्या है, Fe2O3XH2O, जो हमने आगे पिछले जो हम लोगों ने एसिडिक उसमें क्या किया था स्टडी करेंगे, या आगे की जो चैप्टर्स हम रीड करेंगे उनमें ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म्ड होता है वो हम उसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और ये हो गया रस्ट। अब ये रस्ट फॉर्म्ड होने की क्या होती है, दो कंडीशंस होती है, कैसे होगी, टू कंडीशंस आर नेसेसरी, ऐसी दो कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर रस्ट होना क्या होगा, वो लो आयरन पे रस्ट होगा ही होगा। इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन तो हमारे एयर में प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी मॉइस्चराइजेशन प्लेस, है ना। तो मतलब अब आपको पता है कि हमारे एयर में, हमारे बाहर के एनवायरमेंट में एयर में वाटर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और प्लस इसमें जब कभी बारिश होती है या कभी सर्दियों में जब ओस पड़ती है तो मॉइस्चराइजेशन प्लेस होती ही है। तो इन दो कंडीशन की वजह से ओवरऑल पूरे क्या होता है, आयरन के ऊपर क्या आ जाता है, रस्ट होता है। तो इन दो कंडीशन, ये दो कंडीशंस होती है जिससे क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन वाला प्रोसीजर स्टार्ट होता है ना, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे अब इसको हम प्रिवेंटिंग कैसे करेंगे, जैसे इसके बचाने के कोई सुझाव होंगे, हर जो चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब कभी हमें कोई डिजीज भी हो जाती है तो हमें हमारे पास उसके ट्रीटमेंट भी होता है, उसके प्रिवेंशन भी होते हैं ना। तो उसी तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जो चीज़ें हैं, अब उसके लिए प्रिवेंटिंग मेजर्स भी है, उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड स्टील कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, है ना। क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑयल कर सकते हैं, ग्रीस वगैरह कर सकते हैं, या प्लास्टिक कोटिंग भी कर सकते हैं, क्रोमियम प्लास्टिंग, है ना, या फिर गैल्वनाइजेशन, जैसे जिंक ग्लेटिंग वगैरह हो गया, प्लेटिंग हो गया, ये सब चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे आयरन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों से, उसे रस्ट होने से, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन होने से, ठीक है। अब हम उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अब हम पढ़ेंगे एलोइंग के बारे में। क्या पढ़ेंगे, एलोइंग। एलोइंग ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, मेटल, दिस मेथड चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये जो मेथड होता है ना, ये वाली मेथड की वजह से क्या सकते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, जितने भी मेटल्स होते हैं हमें पता है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड। फिर उसके बाद में सम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली विथ ऑक्सीजन कंपेयर टू अदर मेटल, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं जितनी स्पीड में ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसके कंपैरिजन में बाकी अदर चीज़ों से क्या नहीं करते, कि इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स में हो गए सोडियम पोटाशियम कैल्शियम्स एंड मैग्नीशियम्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं ये चीज़ें चारों क्या हैं, वाटर में सोल्यूबल है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड हैंस आर बेसिक इन नेचर, ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं बेसिक इन नेचर में। ऑक्साइड्स ऑफ ऑल मेटल डिजोल्व इन एसिड्स एंड फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट एंड वाटर, हैंस द ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना, जितने भी ये क्या होंगे, हमारे बेसिक इन नेचर होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये पूरा रस्ट वाला पॉइंट जो है वो क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये इसमें क्या करना है, ये एक्टिविटी हमने क्यों की थी, ये पता करने के लिए क्या है, बेसिक इन नेचर होती है या एसिडिक इन नेचर होती है, ये फाइंड आउट करने के बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया है, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, इट इज टर्म फॉर द यूज ऑफ द कोरोजन्स ऑफ आयरन, ये काफ़ी सीरियसली प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी पैसे इसके पीछे स्पेंड किए जाते हैं। क्यों? ताकि वो मतलब वो लोहे को फिर से रीयूज़ करने के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3XH2O, ये इसका क्या है, केमिकली फॉर्मूला है। और इसके लिए टू कंडीशंस नेसेसरी होती है, पहले होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड होती है प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा है प्रिवेंटिंग ऑफ रस्ट। रस्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय द पेंटिंग करके, वो पेंट करके, ऑयलिंग पेंट्स करके, ग्रीसिंग करके, है ना, गैल्वनाइजिंग यानी जिंक पेंटिंग करके, इन सब चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे लोहे को मतलब रस्ट होने से बचा सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, एलोविंग। एलोविंग ऐसा मेथड है जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ओके, आई होप कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई स्टे होम स्टे सेफ।